विकासखंड कसमंडा क्षेत्र में आवारा गोवंशों को खदेड़कर सरकारी भवनों में बंद किए जाने का सिलसिला जारी है। रविवार सुबह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बम्हेरा में बंद किए गए गोवंशों को अभी गौ आश्रय स्थल तक सुरक्षित पहुंचाया भी नहीं जा सका था कि दोपहर में ग्राम पंचायत खुर्दा मजरा पुरैना के सैकड़ों ग्रामीणों ने एक राय होकर गांव में स्थित पूर्व प्राथमिक विद्यालय पुरैना मजरा खुर्दा के परिसर में बंद कर दिया। इसकी जानकारी जिला तहसील व ब्लॉक प्रशासन को दी गई। विद्यालय का रखरखाव कर रहे लोगों ने इसका विरोध किया और डायल 112 पर शिकायत दर्ज कराई। सूचना पर पहुंचे डायल 112 पर तैनात जवानों ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और घटनाक्रम से अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अभी तक विद्यालय में आवारा गोवंशों को बंद कर रखा गया है। आइए जानते हैं ग्राम प्रधान खुर्दा फूलचंद्र यादव, किसान नेता रामदास यादव, ग्रामीण अंकित कुमार, मुरलीधर, राहुल कुमार रावत का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? फूलचंद यादव जी। आप इस ग्राम पंचायत के प्रधान हैं जी। क्या समस्या है, क्यों आज आप लोगों ने हमारा गोवंशों को पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बंद किया है? समस्याएं किसान की हैं, बहुत ही गन्ना चर जाता है और किसी के हाँकने जाते हैं तो मारे दौड़ते हैं, मारते हैं, ये सब समस्याएं हैं। इसीलिए सब किसान आकर के विद्यालय का गेट खोल करके उसमें बंद कर दिया। इसके लिए आपने किसको सूचना दी? अब सूचना हम BDO साहब को दिए, जिले पर ब्लॉक को दिए अपने, अन्य कोई नंबर लगे नहीं। तो क्या बताया उन लोगों ने? तो बताया, आश्वासन दिए हैं। कोई किसी ने बताया विद्यालय में क्यों गेट कहाँ खुला पा गए, कोई कुछ बताता है, ये सब बताते हैं। उनका कोई सलूशन नहीं बताया? सही सलूशन कोई सही नहीं बताया। कौन सी ग्राम पंचायत है? खुर्दा। ब्लॉक कौन है आपका? कसमंडा। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। कौन सी ग्राम पंचायत पड़ती है? खुर्दा। ब्लॉक कौन सा है? कसमंडा। क्या समस्या है आपकी? समस्या है खेती चले जा रहे हैं, इनको एक अच्छे से गौशाला में ले जाया जाए। यहाँ पर जो है जो स्कूल में बंद करते हैं पूरा गाँव, सहमत से समस्या सबकी है। और क्या क्या दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें हैं खेत चरते हैं जब कोई आदमी या बुजुर्ग हाँकने जाता है उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कुछ लोगों को यहाँ सिंगर लगा दी है ओखी ओखी में, उनको दिक्कत है। वो कहना है गांव लोगों से कि इनको बंद करा दिया गया, इनको ले जाया जाए अच्छे गौशाला में। क्या नाम है आपका? मुरलीधर। कौन सा गांव पड़ता है? पुरैना। ब्लॉक कौन सा है? मंडा। क्या समस्या है दादा आपकी? समस्या है सर, यहाँ पर जो जानवर सब फसल चले जा रहे हैं है नहीं, और उसे स्कूल में बंद कराए गए हैं। तो आप क्या चाहते हैं दादा? अब यहाँ के जानवर चले जाएं, बस यही चाहते हैं। कहाँ गौशाला चाह रहे हैं? गौशाला जाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार रावत है। कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत खुर्दा, ग्राम पुरैना। क्या समस्या है आप लोगों? समस्या तो रही है, सारे खेत चले जा रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने पूरा गांव मिलकर साड़ों को एक स्कूल में बंद किए हैं। तो क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सारे साड़ कहीं बंद करके किसी गौशाला में किए जाएं। क्या नाम है आपका? रामदास यादव, भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट, जिला अध्यक्ष सीतापुर। ये बताइए कि क्या समस्या है आप लोगों की? अब समस्या आप लोगों के सामने और सरकार के और सबके सामने है, जो सारी फसलें बर्बाद हो रही हैं और वो कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं हो रहा है। दिन रात किसान जो है खेतों में, जो कह रहे थे मोदी जी के जो है सबको नौकरी मिलेगी, तो यही नौकरी दिया है उन्होंने कि फसल भी बर्बाद और जो है दिन भर अपना काम करें और रात दिन में भी बचाएं और रात में जो है खेतों में ड्यूटी दें, तो यही योगी जी ने, मोदी जी ने ये नौकरी दी है। ये कौन सी ग्राम पंचायत है? ये ग्राम पंचायत खुर्दा है। ब्लॉक? कसमंडा। तहसील? सिधौली। जनपद? सीतापुर। जनपद सीतापुर। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इन जानवरों से हम लोगों को छुटकारा मिले, और हर बार हम जो है DM को और SDM को सब और BDO को सबको ज्ञापन देते हैं, कोई आज तक सुनने वाला ही नहीं है। जब आज जो है बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो रहा है, चल करके आप खेत में भी देख लें कि सारी खेती सब बर्बाद है, तब आज मजबूरन में यहाँ सब गांव वालों ने इनको जो है यहाँ स्कूल में बंद किया है। मामले में जिला विकास अधिकारी प्रभारी BDO कसमंडा हरिश्चंद्र प्रजापति ने आई इंडिया को बताया कि अस्पताल में जो गौवंश बंद कर रखे गए थे उन्हें आसपास के गौ आश्रय स्थल में पहुंचाया जा रहा है। खुर्दा के विद्यालय में जो निराश्रित पशु बंद कर रखे गए हैं उसमें हमें जानकारी नहीं है, ये प्रकरण सामने आया है, इसे अभी पता कर रहे हैं। आइडिया के लिए कसमंडा से सत्यप्रकाश सिंह की रिपोर्ट।
आपकी नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।